क्या लगा है? ये लगा है। मम्मी कहाँ गई है? मम्मी कहाँ गई है? मम्मी कहाँ? मम्मी कहाँ है? यहाँ भी नहीं है। नहीं कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी फिर से खर्चा करवा के आ गई। हाँ तुम मम्मी आ गई। मम्मा आरो इतने दिन से कराटे कर रहे थे, कराटे का स्टेप पर। ये क्या है? ये देखो ये क्या कर रहा है, ये देखो। सो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज अभी मैं निकल रहा हूँ घर से। बोलो जल्दी बोलो, कितने बच्चों ने मारा इनको? किसी दो लोग ने मिलके मारा है। क्यों मारा आरो? कल स्कूल में मारा। जोर से बोलो, कहाँ मारा? बस में मारा, गिरा के मारा। तो क्या आप गेम खेल रहे थे? हाँ तो आप बोले गेम खेल रहे थे। वो तो गेम खेल कर मारते हैं। कौन सा? लाल बत्ती? कैसे मारते हैं? ऐसे आंख बंद कर लेते हैं और ऐसे लाल तप्पी मार देते हैं। कौन है वो? आप तो आप लोग भी मारते हो। फाइनली रात का एक खुलासा हुआ है कि इनको ने इन्होंने भी किया था लाल बत्ती। इन्होंने पहले एक बच्चे को लाल बत्ती किया तो तीन लोग मिलके इनको लाल बत्ती कर दिए। आप किए थे कि नहीं? सही बोलना कैमरे के सामने। बोलो मुंह से बोलो। इधर रिपेयरिंग चालू है। बोलो इधर रिपेयरिंग। ये ना क्या करता है ना, सुबह में ही, अरे 6-7 बजे का है ना इसका कराटा, ये 6 बजे ही अपने से कपड़ा अपना मुझेगा ना, तो अपने से कपड़ा। छोटी सी लड़की है, बहुत क्यूट दिखती है, और उससे पता नहीं क्या बात कर रहा है। अपने से कपड़ा है ये क्या था? थी ना लेकिन कराटे का बात कर रहा था वो। भाई सब देख रहे हैं। सही है, अब मैं आता हूँ क्लास से भी बात करता हूँ। मेरे पास वीडियो है, मैं भेज दूंगी। दी आके नीचे देखो, यही करता है। ये देखो इतना छोटा सा है, उतनी छोटे बच्चे। यहाँ अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मम्मी ने, जैसे अभी पता है आपको कि नवरात्र शुरू हो चुका है और आज उसका पहला दिन है, और मम्मी ने एक दो नहीं टोटल 9 दिन का व्रत रखा है। मम्मी ने बोला कि चलो बच्चों का एग्जाम भी चल रहा था, क्योंकि आप लोगों को इतना मेहनत कर रहे थे तो बच्चों का एग्जाम भी अच्छा चला जाए और सब चीजें अच्छा हो जाए। तो मम्मी क्या बोलना चाहते हो? मैं बोलता हूँ बच्चे सब अच्छा नंबर से पास हो। अच्छा, दिन इतना अच्छा लगेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। बताना चाहूंगा मम्मी ने 9 दिन का व्रत रखा है, पर इस औरत ने 1 दिन का व्रत भी नहीं रखा है। एक दिन का एक, पर शाम को फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम नहीं है, व्रत नहीं है ना कि हॉस्पिटल लेके भागना पड़े। हाँ, तो एक दिन के मस्त ये बात बताओ मेरे को, कितने बार तुम्हें व्रत के टाइम में हॉस्पिटल लेके गया? बहुत नहीं पता। पास्ट व्रत हम जो रखते हैं तो मतलब एक्चुअल देखा जाए अभी इन्होंने कुछ नहीं खाया, बस सुबह से 4 केला खाया है और 2 एप्पल खाया है, 2 ग्लास दूध पिया है और कुछ नहीं खाया, और 4 आलू खाया है, और चाय पी, साबुदाने की खिचड़ी खाई, और कुछ नहीं खाया भाई। बस फिर भी चाय और साबुदाने की खिचड़ी मानना पड़ेगा, कुछ नहीं खाया। तो ऐसा मैं चाहता हूँ ऐसा सभी करे, ऐसा पास सभी रखे। तो मैं भी ऐसे छोटे में रखता था, मैं जब मेरे को बड़ा हुआ ना तो मेरे को समझ में आया यार ये तो उससे ज्यादा खा ले रहा हूँ। तो मम्मी फास्ट इनको कहने का मतलब है फास्ट में रह के हम ज्यादा खाते हैं। अंजलि अब फिर से क्या खाने का प्लान है? अब सिर्फ सोने का प्लान है, बहुत तेज नींद आ रही है। कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? दिख रहा होगा सामने तो एक बच्चा खेल रहा है, इतना तेज धूप है, बट भाई बच्चों का पता ही है, धूप हो या कुछ भी हो उनको खेलना तो खेलना ही है। गाइस आज जैसे आपको पता है कि गुड़ी पड़वा है और लाइन लगी पड़ी हुई है भाई, सभी लोग नए कार खरीद रहे हैं यार। देखो यहाँ भीड़ लगा हुआ है, हमारे यहाँ जो हुंडई का शोरूम है वहाँ देखो क्या भीड़ लगा हुआ है यार। देखो हम वापस फिर से, एक कार तो हमारे पास है, हम भी एक नई कार कब खरीदते हैं?
ये देखो बुलेट शोरूम रॉयल इनफील्ड का, यहाँ बुलेट के लिए क्या भीड़ लगा हुआ है। वाह 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 क्या बात है, यहाँ की भीड़ नहीं है भाई। होंडा में कोई कुछ नहीं ले रहे क्या? यहाँ भी नहीं है, सुजुकी में भी भीड़ नहीं है। यहाँ भीड़ है इलेक्ट्रिक बाइक बहुत खरीदी जा रही है, इलेक्ट्रिक बाइक की जगह पे भीड़ है। मतलब कुछ जगह मामला ठंडा है, कुछ जगह मामला गर्म है। आज के दिन का माहौल ही अलग है, मतलब कि ऐसा लग रहा है ना कुछ, मतलब है सच में कुछ फेस्टिवल है, और हर जगह अलग ही तरह का माहौल है। आपको क्या लग रहा है? मतलब बहुत सुकून सा फील हो रहा है आज गाइस। मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ है क्योंकि आज फेस्टिवल सीजन है, तो भाई भीड़ तो रहेगा ही, बहुत भीड़ है। मतलब अभी देखते हैं आज पार्किंग मिलता है कि नहीं मिलता। मुझे तो बहुत कम संभावना लगता है कि मिलेगा। क्या लगता है राहुल सर, क्या लगता है? यदि मिलेगा शायद दोपहर का टाइम हो तो मिले। तो यहाँ हमारा बिग बाजार था, और बिग बाजार के बाद अभी वहाँ बिग बाजार तो बिग गया, स्मार्ट बाजार आने वाला है रिलायंस का। सो देखो पार्किंग तो हम यही रखते हैं, पर फुल नजर आ रहा है। क्या बोलते हो राहुल सर, आज धूप में लगता है हालत खराब होने वाली है। सो देखते हैं, यहाँ एक जगह मिल गया है, स्कूटी पे टच नहीं होगा राहुल सर, और हम बहुत लकी थे कि यहाँ बाइक निकल रही है। क्या बोलते हैं, मजा आएगी? मजा आएगी नहीं, राहुल सर के चेहरे की स्माइल देखो, बहुत मजा आया। मैं ब्लॉग को करता हूँ एंड। आप एंड करने से पहले बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे पाठक जी है, ये आज नया नया टी शर्ट लेके आए, बट ये टी शर्ट के पीछे ना भाई इन्होंने मौके पे चौका मारा है। कहीं किसी का पैसा बाकी था, उस पैसे में से ये निकाला हुआ है। ये इनका खुद का माल नहीं है, ये छीना हुआ माल है। किसी को बहुत बड़ा दुख हो रहा होगा, साथ में इन्होंने जींस पैंट भी लिया हुआ है। सो गाइस थैंक यू सो मच इतना प्यार एंड सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ एक कॉमेंट कीजिए जिससे हमें और रैक्स पाठक, एक इनका चैनल भी बनाया है ओपी करके, उसे इनका फोटो बहुत भारी लगा। प्लीज़ ये वाला फोटो लगा दो इनका, ये वाला फोटो इनका लगा दो, ऐसा वाला फोटो लगा दो।